हाँ चल प्राइस गेस कर। अंदाजा है मेरा कि तुझे पड़ी होगी 27, 26, 27। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये आज से 2 साल पुरानी प्राइस बता रहा है। नहीं यार तब भी प्रीमियम तो फिर भी इस प्राइस में नहीं आती थी, ये भी तो देखो ना। चल 10। ओ हेलो बड़ी यार जल्दी, तले को भी नहीं पता। पूछे कहते हैं हाँ तुझे कल साल बता कौन सा और गाड़ी 2017 का मार्च तक गाड़ी भी प्रियस थी जिसमें कोई ड्रिफ्टिंग नहीं करता और वो प्रियस प्रियस इंजन की आवाजें आने लगी थी उस गाड़ी से व्हाइट वाली से। ले छोड़ स्टार्ट कर ले, लेकिन वो है गाड़ी स्ट्रेट पाइप नहीं रही, अब मैंने चेंज कर लिया हाइब्रिड वाले से। ये बात पहले ऑयल प्रेशर बनने दी फिर स्टार्ट करें, अब करो स्टार्ट। मैंने बहुत बदल स्टार्ट हो गया, ठंडी है गाड़ी जेल। किसी का सर बीच में आ जाओ मर जाएगा, अभी होल्ड ही करेगा नीचे आके छोड़ी बस। हाँ यहाँ छोड़ दे, नहीं ऊपर होल्डिंग है ना। हाँ अच्छी साहब की है, वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये सीट बेल्ट के नीचे ब्लैक कलर का, उसको पुल करो गाड़ी फुल रिक्लाइन हो जाएगी सीट, सॉरी गाड़ी है। बाकी देख फ्रंट दोनों 10 वे है, MG तक में 8 वे आता है। ਜੋ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਉਹ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਓਡੀ ਕੰਦਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੰਦਰ BMW ਕੰਦਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੋਈ ਸੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਈ ਵਾਲੀ ਨੋਟ ਖੜੀ ਹੈ पहले ना वो क्या था कराने सर 1.0 1.2। मैं बता रहा था ना मैं नोट की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, चिप है बॉयज वो लग के आ गई है अभी, इसके अंदर से मुझे ठंडी हवा आनी थी, मैंने पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ मिली है इनसे जगह, द नेक्स्ट डे यूनिवर्सल आउटफिट बॉयज। वो अभी रिंग्स के साथ थोड़ा सा फिक्स वगैरह होने वाले हुए में, जिसकी वजह से ये रिम अभी हम छोड़े हैं फिटिंग और इसकी जगह हम लगा रहे हैं कोई इस तरह के कोई सादे से रिंग्स। वो एक ये रिम उधर गए, एक ये रिम उतर गए, ये दो स्टपनियाँ लगा ली हैं और जी ये रह गया और ये लग गया। सीन ये है कि मैंने ये वाला मार्का भी उतार दिया, बहुत पुराना हो गया था, और मैंने इसके रिम टायर भी दे दिए फॉर फिक्सिंग एंड पेंट। तब तक मुझे ये स्टपनी लाइफ स्टाइल लगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी पे, छुपा के रख देंगे गाड़ी को, चलाएंगे नहीं, टेंशन नहीं लेनी। व्हेन यू आर इन पिंडी कार्स बी लाइक, मैं तो नहीं चाहिए किसी की बिल्ड को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मतलब ये कि अभी मैं गया हुआ था सुल्तान खू, एक चीज़ मैंने एक तो खैर इसका एम्बेलम का पता करना था ओरिजिनल वाला, दूसरा मैंने मेरे रिम्स ना साइडों से थोड़े डैमेज थे, थोड़े रफ थे, टेढ़े वगैरह कहीं से नहीं थे, सिर्फ थोड़े रफ थे। तो मैं सुबह सुबह निकला, तला वगैरह ने तो आना ही था, तो मैं सुबह सुबह निकला, मैंने रिम्स दिए, उन्होंने मुझे ये स्टपनियाँ पकड़ाई हैं 4, और अब ये रिम्स इंशाल्लाह जैसी स्मोक ब्लैक जो TRD वाले 18 इंच 300G प्रीमियम रिम्स होते हैं, ये हम वापसी आके पिकअप करेंगे जैसे ही ठीक हो जाएंगे, तब तक हमें इन स्टपनियों के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो बॉयज़ अब सीन ये है कि ये जो मैंने टायर्स और रिम अभी फ़िलहाल लगाए हुए हैं ना, ऑब्वियसली ये कोई 3-4 दिन रहेंगे जब तक मेरे रिम्स रिपेयर नहीं होते। क्या जा सकते हैं ड्रिफ्ट सेटअप ऑफ रिम्स, रिम्स एंड टायर्स बोथ, इनका साइज़ वगैरह सब जो है ये परफेक्ट फॉर ड्रिफ्टिंग है, पावर स्लाइड्स ड्रिफ्टिंग जो भी आप कहना चाहें। बाकी अब ये है कि जब तक वो नहीं होते और 3-4 दिन और भी कोई काम नहीं है, तो वी कैन ट्राई पावर स्लाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह वेरी पावरफुल। तो लेट्स सी, अभी इन साहब को दिखाता हूँ ना टायर में, ये कहेंगे ये क्या लगवा के ले आया है, रिम्स देख, रिम्स और टायर।
वाओ क्या चेंज करा लिए, डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या सीन है, पहले वाले में क्या मसला था यार? ये अच्छे हैं, वो अच्छे थे, मुझे ये वाले अच्छे लगे। यार पागल हो गया रे, सवाल चला चलो वाली कहां से अच्छे, किस कोने से अच्छे हैं ये, मजाक कर रहे हैं वो पहले वालों की पिक वो दिखा मुझे। हां टायर की ये है 195/60/16, ठीक है, तो इसलिए देखिए फेंडर के कितना अंदर गया है, वो था 245, उसकी चौड़ाई सोच कितनी ज़्यादा होगी, ये सिर्फ इतना सा पतला सा टायर है, और ऑब्वियसली 16 इंच वो 18 इंच का रिम है भाई। अच्छे लग रहे हैं तो वही, अच्छा आप बुरे लग रहे हैं, अभी अच्छे लग रहे थे इसको, अभी मैंने इसकी सिस्टम अपडेट किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।